अस्सलाम वालेकुम, मैं उमर मुनीर आज के ताज़ा क्रिप्टो टेक्निकल एनालिसिस को लेके इनमे आलम के चैनल पे हाजिर हूँ। अभी सबसे पहले बात की जाए तो आज है 3 मई 2022 और बिटकॉइन की अगर 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर बात की जाए तो करंटली BTC ट्रेड हो रहा है 30,000 डॉलर्स के ऊपर। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और कल की वीडियो के अंदर मैंने जो आप लोगों को अपडेट दी थी, मैंने उसके अंदर कहा था कि हम लोगों को देखना यह है कि क्या BTC 30,000 डॉलर से नीचे कैंडल्स बंद करता है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर या नहीं करता है। तो कल की वीडियो के बाद हम लोगों ने देखा कि BTC ने तकरीबन 3 कैंडल्स 30,000 डॉलर से नीचे बंद की और मैंने आप लोगों को कल की वीडियो के अंदर गाइड किया था कि मैक्सिमम चांसेस हैं कि अगर तो कैंडल 30,000 डॉलर से नीचे बंद होती है तो हम लोग BTC को तकरीबन 28,600 डॉलर का जो उसका सपोर्ट लेवल है वहाँ तक देखेंगे। लेकिन BTC ने तकरीबन 29,500 डॉलर का जो सपोर्ट लेवल है उसको होल्ड करके रखा और वहाँ से BTC की वैल्यू काफ़ी अच्छा पंप बैक किया BTC ने और फिर BTC की वैल्यू दोबारा से इसका जो सा रेजिस्टेंस लेवल है 30,500 डॉलर का लेवल वहाँ तक वापस गई। तो कल की वीडियो के अंदर भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे 44 मूविंग एवरेज को ऑन करके दिखाया था और मैंने आप लोगों को कहा था कि 44 मूविंग एवरेज को होल्ड करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा BTC के लिए। तो अगेन उससे तकरीबन 3 कैंडल्स उसे नीचे बंद हुई है, लेकिन अगर अब आप लोग देखें तो ऑलमोस्ट अगली जो उसे 3 कैंडल्स हैं 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर वो अब दोबारा से 44 मूविंग एवरेज की लाइन से अबव है और करंटली BTC 44 मूविंग एवरेज की लाइन को एक काफ़ी अच्छी सपोर्ट के तौर पे भी यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे BTC की वैल्यू बनी है तकरीबन 29,900 डॉलर्स के ऊपर। तो अब 29,900 डॉलर्स का लेवल एक काफ़ी अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम करेगा BTC के लिए और 29,900 डॉलर्स के साथ साथ तकरीबन 30,000 डॉलर्स का भी जो सा लेवल है वो भी एक काफ़ी अच्छी सपोर्ट के तौर पर काम करेगा BTC के लिए, क्योंकि वो वाला लेवल भी साइकोलॉजिकली एक काफ़ी अच्छी सपोर्ट बनता है यहाँ पे BTC के लिए। तो अब BTC का आप लोगों को जो करंट कंसोलिडेशन लेवल है अगर वो बताता चलूँ तो करंट कंसोलिडेशन लेवल के ऊपर 30,000 डॉलर्स का लेवल BTC के लिए एज अ सपोर्ट के तौर पे काम करेगा और 30,500 डॉलर्स का लेवल BTC के लिए एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। और अगर BTC 30,000 डॉलर्स के सपोर्ट लेवल को तोड़ता है तो फिर 29,500 डॉलर्स का सपोर्ट लेवल एक अच्छी सपोर्ट के तौर पर काम करेगा BTC के लिए। और अगर BTC 29,500 डॉलर्स के भी सपोर्ट लेवल को तोड़ता है या अगेन जिसके अभी भी चांसेस हैं तो हम लोग देखेंगे कि BTC की वैल्यू तकरीबन 28,600 डॉलर्स तक वापस आएगी। और अगर सम हाउ BTC 30,500 डॉलर्स के रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ देता है तो फिर 31,000 डॉलर्स का लेवल एक काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा यहाँ पे BTC के लिए। तो अभी अगले 1 से 2 दिन तक तो हम लोग BTC को तकरीबन साइड बाय साइड दिखाता हुआ देख सकते हैं कि BTC तकरीबन 29,500 डॉलर से लेकर तकरीबन 30,500 डॉलर के लेवल के दरमियान में ट्रेड होगा। तो इन्हीं लेवल्स के दरमियान में अगर ट्रेड होता है तो आप लोग इन्हीं लेवल्स के दरमियान में ट्रेड्स लेके अपना एक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं यहाँ पे BTC के ऊपर से। इसके अलावा अगर आगे चलते चले आगे सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कार्डानो के ऊपर जो कि इस वक्त ट्रेड हो रहा है 0.58 डॉलर्स के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और प्रीवियसली जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी मैंने आप लोगों को लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट्स बताए थे। तो लेवल बाय लेवल अगर आप लोगों ने एंट्रीज ली होंगी तो आप लोगों ने पहले तकरीबन 12% तक का प्रॉफिट और उसके अलावा आप लोगों ने यहाँ पर तकरीबन 9% तक का भी प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर लिया होगा कार्डानो के ऊपर से। तो पिछले दिनों के अंदर कार्डानो ने काफ़ी अच्छा पंप दिखाया था, लेकिन अगर अब आप लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर तकरीबन 31 मई से लेकर अभी तक ये अब दोबारा से लोअर लोस और लोअर हाइज बना रहा है। तो थोड़े बहुत टाइम फ्रेम के लिए तो ये एक अच्छा साइन नहीं है, लेकिन चूंकि फंडामेंटली काफ़ी अच्छी न्यूज़ है यहाँ पे कार्डानो की तरफ से क्योंकि इनका हार्ड फोर्क होने जा रहा है तकरीबन 29 जून को। तो तकरीबन 29 जून तक हम लोग एक अच्छा पम्प जो है वो देख सकते हैं कार्डानो के अंदर और चांसेस है कि कार्डानो की वैल्यू को हम लोग एक दफ़ा दोबारा से तकरीबन 0.7 या 0.8 डॉलर के लेवल तक देखें इसी मंथ के अंदर। तो इस मंथ के अंदर आप लोग एक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर सकते हैं यहाँ पे कार्डानो के ऊपर से। इसके अलावा कार्डानो के ऊपर 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर तमाम मूविंग एवरेज भी अगर ऑन करके दिखाता चलूँ तो सो फार ये 3 मूविंग एवरेज से अभी भी ऊपर ही ट्रेड हो रहा है, मतलब कि 2150 EMA की लाइन से अभी भी ऊपर ही ट्रेड हो रहा है। और अगर कार्डानो की वैल्यू इधर नीचे आती है तो हम लोग देखेंगे कि इसका जो सही वाला तो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल है ये भी काफ़ी अच्छी सपोर्ट के तौर पर काम करेगा, क्योंकि इस वक्त 150 EMA की लाइन भी तकरीबन इसी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन के करीब ही आ रही है। और इसके अलावा एक शॉर्ट सपोर्ट बनेगी तकरीबन 0.569 डॉलर्स के ऊपर कार्डानो के लिए। तो
तो कार्डानो के ऊपर अगर मैं आप लोगों को एंट्री एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ, तो अगेन इसके ऊपर लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोगों के एंट्री पॉइंट्स बने तकरीबन 0.56 डॉलर्स के ऊपर, फिर उसके बाद तकरीबन 0.42 डॉलर्स के ऊपर, और अगर इसकी वैल्यू समहाउ नीचे आ जाती है तो फिर तकरीबन 0.52 डॉलर्स के ऊपर। और आप लोगों के जो एग्जिट पॉइंट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे तकरीबन 0.59 डॉलर्स के ऊपर, उसके बाद तकरीबन 0.63 डॉलर्स के ऊपर, और लास्ट पे तकरीबन 0.68 डॉलर्स के ऊपर। और अगेन जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी मैक्सिमम चांसेस हैं कि हम लोग कार्डानो को इस मंथ के अंदर तकरीबन 0.7 डॉलर्स या 0.8 डॉलर्स के लेवल तक देखेंगे। तो अगर तो आप लोग उस लेवल तक इसको होल्ड करके रखना चाहते हैं तो वो भी आप लोग करके रख सकते हैं, तब आप लोग एक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जो है वो अपना जनरेट कर लेंगे कार्डानो के ऊपर से। इसके अलावा अगर आगे चलते चले तो यहाँ पे बात करते हैं सोलाना के ऊपर, क्योंकि सोलाना की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा डंप कर रही है। पिछले दिनों भी हम लोगों ने देखा कि इसकी ब्लॉकचेन की वजह से इसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा डंप कर रही है। तो इस वीडियो के अंदर मैं एक तो एनालिसिस करूँगा अपना यहाँ पे सोलाना के ऊपर, और दूसरा मैं आप लोगों को रीज़न बताऊँगा कि क्या रीज़न है कि सोलाना की वैल्यू को हम लोग एकदम इतना ज़्यादा डंप करता हुआ देखते हैं। तो कार्डानो को अगर अभी आप लोग देखें तो ये ट्रेड हो रहा है तकरीबन 40.2 डॉलर्स के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और इस वक्त इसका जो सपोर्ट लेवल है वो है एग्जैक्टली तकरीबन 40 डॉलर्स के ऊपर, और उसी सपोर्ट लेवल को सोलाना ने यहाँ पे होल्ड करके रखा हुआ है सो फार। और कल के दिन के अंदर हम लोगों ने देखा था कि सोलाना की वैल्यू नीचे गई थी तकरीबन 38 डॉलर्स तक भी, और वहाँ से अब ये दोबारा से ऊपर की तरफ बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है। तो सबसे पहले तो इसके ऊपर मैं यहाँ पे तमाम मूविंग एवरेजेस अगर ऑन करके दिखाता चलूँ तो सोलाना इस वक्त तमाम मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड हो रहा है। मैक्सिमम हम लोगों ने क्रिप्टो करेंसीज को देखा कि वो एटलीस्ट एक से दो मूविंग एवरेज की लाइन से ऊपर ट्रेड हो रही है, लेकिन सोलाना अभी भी तमाम मूविंग एवरेज की लाइन से नीचे ट्रेड हो रहा है। और अगर अब सोलाना की वैल्यू ऊपर भी आती है तो तकरीबन 42.6 डॉलर्स का जो सा लेवल है जो कि ऑलरेडी उसकी एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लेवल की लाइन है, वो वाला लेवल एक काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगा, क्योंकि वहाँ पे 21 EMA की लाइन भी आ रही है। और सोलाना की वैल्यू को हम लोग दोबारा से तकरीबन 40 डॉलर्स के लेवल तक देखेंगे, इसके मैक्सिमम चांसेस हैं। तो अब इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को सबसे पहले लेवल पर लेवल एंट्री पॉइंट्स बता दूँ ताकि ट्रेड ली जा सके, तो सबसे पहले आप लोगों का एंट्री पॉइंट है तकरीबन 40 डॉलर्स के ऊपर, उसके बाद तकरीबन 38 डॉलर्स के ऊपर, और अगर सोलाना की वैल्यू नीचे आती है तो फिर तकरीबन 36 डॉलर्स के ऊपर। और आप लोगों के जो एग्जिट पॉइंट्स बन जाएंगे वो बन जाएंगे यहाँ पर तकरीबन 40 डॉलर्स के ऊपर, उसके बाद तकरीबन 42 डॉलर्स के ऊपर, और अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखते हैं मतलब अगले चंद दिनों तक, तो फिर आप लोगों का नेक्स्ट एग्जिट टारगेट हो जाएगा तकरीबन 45 डॉलर्स के ऊपर। और इस तरह से आप लोग अपना एक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जो है वो जनरेट करेंगे यहाँ पे सोलाना के ऊपर से। और अगले चंद दिनों तक हम लोग सोलाना की वैल्यू को थोड़ा बहुत और नीचे आता हुआ देख सकते हैं, और चांसेस अभी भी हैं कि हम लोग सोलाना को तकरीबन 30 डॉलर्स का जो एक पूरा लेवल है इन लेवल के ऊपर आता हुआ भी देखें। और इसीलिए जो से अगले सपोर्ट लेवल्स है ये मैंने लगा दी है यहाँ पे सोलाना के ऊपर। तो अगर तो इन लेवल्स के ऊपर सोलाना की वैल्यू आती है तो इन लेवल्स के ऊपर भी आप लोग एंट्रीज लेके अपना एक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे यहाँ पे सोलाना के ऊपर से। तो अब अगर मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि सोलाना की वैल्यू इतना क्यों डंप लेती है, एक तो सुबह की वीडियो के ऊपर सर मुकद्दस ने भी आप लोगों को गाइड कर दिया था कि सोलाना नेटवर्क जो है उसको पूरी तरह बंद कर दिया गया था कल के दिन के अंदर। और सर मुकद्दस ने गेन आप लोगों को पूरी तरह गाइड किया कि पिछले चंद महीनों के अंदर हम लोग ये देख रहे हैं सोलाना के ऊपर। तो मैं आप लोगों को रीज़न बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि सोलाना ब्लॉकचेन को एकदम बंद करना पड़ता है सोलाना के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। तो उसकी जो रीज़न है वो है सोलाना ब्लॉकचेन के ऊपर बनी हुई NFTs। इस वक्त हम लोगों ने देखा यह है मार्केट के अंदर कि मार्केट के अंदर जितने भी नए NFTs से रिलेटेड प्रोजेक्ट आ रहे हैं वो ज़्यादातर प्रेफरेंस जो दे रहे हैं वो दे रहे हैं सोलाना ब्लॉकचेन को एज़ कम्पेयर टू इथेरियम ब्लॉकचेन, क्योंकि इथेरियम को वो इसलिए नहीं देते कि एक तो उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है और ट्रांजेक्शन टाइम बहुत ज़्यादा लगता है यहाँ पे इथेरियम के ऊपर, लेकिन सोलाना के ऊपर एक तो इसकी फ़ीस भी बहुत ज़्यादा कम है और दूसरा ट्रांजेक्शन टाइम भी बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन जब भी कोई एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का NFT प्रोजेक्ट लॉन्च होता है सोलाना ब्लॉकचेन के ऊपर तो उसकी वजह से ट्रांजेक्शंस बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती हैं सोलाना ब्लॉकचेन के ऊपर, और इतनी ज़्यादा जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनको सोलाना अभी हैंडल नहीं कर पाता, क्योंकि सोलाना अगेन अभी एक काफ़ी न्यू ब्लॉकचेन है, अभी 2 साल पहले ही ये लॉन्च हुई है एज़ कम्पेयर टू इथेरियम जो कि लॉन्च हुई है तकरीबन 2014 के अंदर। तो
तो सोलाना भी काफ़ी न्यू है प्रूफ ऑफ स्टेक और प्रूफ ऑफ हिस्ट्री के ऊपर, इनकी ब्लॉकचेन काम कर रही है, लेकिन अगेन अभी भी काफ़ी ज़्यादा न्यू है। और इसी की वजह से जब भी काफ़ी ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स एकदम होती हैं सोलाना के ऊपर, तो सोलाना का जो नेटवर्क है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाता है। और इसी वजह से, काफ़ी ज़्यादा स्लो होने की वजह से, सोलाना के जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सोलाना को बंद कर देते हैं, जो कि अगेन एक काफ़ी अच्छा साइन नहीं है। इसकी वजह से सोलाना की वैल्यू को हम लोग देखते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा नीचे आती है। तो जब तक कि ये प्रॉब्लम मुकम्मल तौर पे हल नहीं हो जाती, बल्कि सोलाना एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है कि हम लोग इसको हल करने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग इसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जब तक ये मुकम्मल इम्प्रूव नहीं हो जाती है, तब तक हम लोग देखेंगे कि जब भी इतनी ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स होंगी सोलाना के ऊपर, सोलाना नेटवर्क जो है वो बंद होगा, और सोलाना नेटवर्क अगर बंद होगा तो सोलाना की वैल्यू डेफिनेटली तौर पर नीचे आया करेगी। तो ये है मेन रीज़न बिहाइंड सोलाना की वैल्यू के नीचे आने के। और अगर आप लोगों ने देखना हो कि सोलाना नेटवर्क सही तरह से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो आप लोगों को मैं मशवरा दूंगा कि एक ये वेबसाइट है solscan.io, इसके ऊपर आके आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि TPS मतलब कि ट्रांजेक्शन्स पर सेकेंड, अगर तो ये ग्रीन है तो इसका मतलब फिलहाल ओके चल रही है, और अगर ये रेड होगी तो इसका मतलब ये है कि सोलाना ब्लॉकचेन अभी बिल्कुल भी ठीक काम नहीं कर रही है, और अगर येलो होगी तो इसका मतलब ये होगा कि अभी बस ठीक ही काम कर रही है सोलाना ब्लॉकचेन। तो इसीलिए इस ट्रांजेक्शन्स पर सेकंड का जो है वो ग्रीन रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये ग्रीन रहेंगी तो इसका मतलब ये है कि सोलाना ब्लॉकचेन अभी बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर रही है। और इस तरह से आप लोग भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सोलाना की वैल्यू, सोलाना कोइन की वैल्यू अगले चंद घंटों के अंदर किस तरह का रन दिखा सकती है, अगर तो ये जो सी बार्स हैं ये रेड या येलो होंगे। तो अभी के लिए यही वीडियो, कल की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को किन कॉइन्स के बारे में बताऊं उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। कल तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।